i कैप प्लस टू जे कैप वेक्टर b को दिखाना है i कैप माइनस जे कैप, वन आई कैप माइनस वन जे कैप, वेक्टर थ्री को दिखाना है c को माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप, और चौथा वेक्टर d को दिखाना है माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप। दिखा दोगे? ये वाला ध्यान से देखना, आई वाला x कॉम्पोनेंट है और ये वाला y कॉम्पोनेंट, जे वाई कॉम्पोनेंट जे वाला। ग्राफ भी हम आपको बना देते हैं, सिर्फ आपको पुट करना है इसके अंदर। ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, मैक्सिमम हम तीन तक गए, नहीं दो ही गए हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, जीरो वन टू, इधर आइए वन टू, इधर आइए वन टू, माइनस वन माइनस टू, इधर आइए माइनस वन माइनस टू, ये आ गया माइनस जे कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप। पांचवा नंबर, वेक्टर ई बराबर टू आई कैप, सिर्फ हो गया। एनसीईआरटी का बायो का कोई एक चैप्टर फिनिश हुआ है? इलेवेंथ वाले कौन सा चल रहा है? सेल और जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा मुझे बता दीजिए, उसका फिर हम टेस्ट लेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। हाथ नहीं करना है, चलो पीछे अलकमा ए ड्रॉ किया। ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई, तो एक्स एक्सिस में कितना कदम चलेंगे और वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में दो कदम चले और वाई एक्सिस में दो कदम, इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको मिला देंगे। ये तुम्हारा हो गया वेक्टर ए और यहां पे लिख दीजिए टू
आई कैप प्लस टू जे कैप, ये वाला इसका x कंपोनेंट है और ये वाला इसका y कंपोनेंट। अब आइए वेक्टर b, बरोडिपिक b, कितना चले x एक्सिस में, उसको पूछ रहे हैं x एक्सिस में, यहां छुपा हुआ है वन वन, i में वन मतलब यहां, और j में कहां बोल रहा है, y एक्सिस में नीचे, ऊपर नीचे है माइनस, इसको मिला दे यहां, इसको मिला दे, और ये वाला जो होगा तुम्हारा क्या होगा, वेक्टर b। अब आइए वेक्टर c कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में कि नेगेटिव में, कितना कदम, दो कदम, और वाई एक्सिस में पॉजिटिव में दो कदम ऊपर, इसको और इसको मिलाएंगे, ये हो जाएगा वेक्टर c। अब आ जाइए d वाला, एक्स में माइनस टू यहाँ ही है और y में माइनस टू यहाँ, यहाँ और यहाँ मिला देंगे, ये वाला क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तिरछा लाइन। एंड व्हाट अबाउट e, सिर्फ एक ही कंपोनेंट है उसमें, कौन सा वाला, इसका नाम वेक्टर। ये पांचों बना लिया हमने, मोबाइल रखो नीचे, ए बी सी एंड डी एंड ई, फोटो बाद में जब हम खुद बोल देंगे फोटो खींचने, हाँ ए बी सी एंड डी एंड, दिस इज व्हाट, एक वेक्टर का प्रोजेक्शन और साथ में प्रोजेक्शन से वेक्टर को ड्रॉ करना। कभी आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस फिगर में वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए ये वाला एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, लेट थीटा मान ले, थीटा थीटा के सामने वाला पी और ये बी, एक्स में कितना है यहां से यहां दो, बी का वैल्यू दो है और P का वैल्यू कितना है वाई एक्सिस में, ये भी दो है, तो यहाँ पे P और B पता है, तो टेन थीटा बराबर लगा दें P बाई बी, P कितना टू और B भी टू, काट दो कितना, कितना होता है ये 45, थीटा बराबर है, इसी तरह से सबका निकाल सकते हो, और नहीं पता रहे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स कर देंगे, मान लीजिए आ गया टेन थीटा बराबर टू आ गया, मान लो तो थीटा बराबर टेन इनवर्स टू, उतना ऑप्शन में रहेगा मार्क निकल जाए। एक क्वेश्चन और लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखिए, देखो क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर या इफ वेक्टर ए बराबर टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, इसमें जेड कंपोनेंट भी है, मतलब ये वेक्टर स्पेस में हो, ये वेक्टर कहाँ होगा, स्पेस में, एंड वेक्टर बी बराबर टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप
प्लस फोर के कैप, ये भी स्पेस में है, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट। फाइंड नंबर वन, इसको क्या पढ़ेंगे थोड़ा बताना, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यहाँ पे तीन ठो है, ये हटा दें हम, दो ये वाला दें, तीनों हटाने दें क्या, ना हटा दो, चेहरा देख के लग रहा है हटा देना चाहिए। चलो तो हम यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये आई कैप और इसको ले लेते हैं फोर जी, क्लियर है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तीसरा बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चौथा क्वेश्चन बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन, ए प्लस बी कितना होगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर वन बराबर ए प्लस बी एडिशन कितना होगा। छठा, ये जो आर वन था उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मतलब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है। सातवां, ये वेक्टर आर वन जो आया उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। आठवां, आर टू इन दोनों के वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कितना होगा। नौवां, इस आर टू वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन है ए माइनस बी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। और दसवां, उन दोनों का यूनिट वेक्टर कितना होगा, आर टू का यूनिट वेक्टर कितना होगा। हाँ अभी बनाना, दो मिनट का काम है, खटाखट हो जाएगा। कहाँ ज्यादा है, एक एक लाइन का है। मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे, रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, दो दुनी चार, तीन तीन नौ, नौ चार तेरह, रूट अंडर तेरह, बाकी कीजिए आप। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते थे, वेक्टर में कैप कब लगता था, एक पेज पलट के देखो, बोला गया था यूनिट वेक्टर कैसे बनाते थे, देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे ना, नोट्स अलग खोलेगा बताइए। टाइप्स ऑफ वेक्टर में यूनिट वेक्टर बताए थे, मोइन कहाँ था तुम, क्लास छोड़ के क्यों करता है, पिछला क्लास नहीं आया है, कल आए थे, कल के कल। अरे वेक्टर ए डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसी को ना यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलो एक तो हम हिंट दे देते हैं, इसका क्या होगा बोलो तो, रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। हम ये लिखने का कारण है मेरा कि अगर माइनस भी रहेगा, मान लो यहाँ माइनस ही ले लेते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ, नौ चार तेरह, इसका आंसर तेरह हो गया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अभी नहीं पहले लिखेंगे, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर ए क्या लिखेंगे, वहां है दिया हुआ, चुपचाप उतार देंगे टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप और डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए। बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो
टू बाई रूट अंडर 13, आप आंसर यही हो गया आपका, लेकिन ऐसे लिख सकते हो, बोलो यस और नो। इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे ना तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यकीन नहीं है तो देख लो। वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या आया, 2/√13 आई कैप प्लस 3/√13 जे कैप। चलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मेरे को पता है मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन बना के दिखाएंगे। आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, आई और जे के बीच एंगल 90 होता है, इसलिए वो वाला पोर्शन खत्म। तो सिर्फ आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर, आई वाला कितना है भाई, 2/√13, ये कितना है 3/√13, 2 का स्क्वायर 4/13, 3 का स्क्वायर कितना आएगा बोलो, तो बड़ा दिमाग तेज आग चल रहा है, 13/13 कट गया, कितना है, हो गया ना प्रूफ यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो बी का मैग्नीट्यूड सिर्फ बता दो मुझे, तब छापना, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, भले अलग में प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, 16 1, बाकी सब आप कर लोगे, यहाँ भी जोड़ लोगे, और जोड़ने के बाद इसका यूनिट वेक्टर बनाना, घटाने के बाद उसका यूनिट वेक्टर बनाना, ये हो गया होमवर्क। तो आज हमने क्या सीखा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, आज का जो सीखा वो प्लेन वाला ही सीखा है, अगले दिन हम स्पेस में चलेंगे, है ना। कल है 15 अगस्त, आप लोग क्या चाहते हैं, 15 अगस्त, 15 अगस्त को पढ़ा दें, पता चलेगा कोई क्लेम कर दिया, देशद्रोही घोषित कर देगा सब, नहीं इसलिए आज़ादी मनाइए, झंडा फहराइए और स्टडी कीजिए। ये बताओ, पहले देशभक्ति दिखाने का एक तरीका होता था, क्या था पहले के टाइम में, मतलब अंग्रेज के टाइम में, उससे पहले देश के लिए जान दे देना, कूद जाना, अंग्रेजों को ट्रेन जला देना, ठीक है, अंग्रेज को कुछ भी कर देना, होता था ना, धरना प्रदर्शन में बैठ जाना। आजकल कैसे दिखाओगे देशभक्ति, आज से कोई युद्ध हो नहीं रहा तो क्या सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट करके आज की देशभक्ति, आपके देश को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है आज के डेट में, एक अच्छे डॉक्टर्स की, एक अच्छे इंजीनियर्स की, है ना। तो आज देशभक्ति दिखाना है तो पढ़ करके दिखाएंगे, ठीक है, देश को बढ़ाना है तो एडुकेशन का स्तर बढ़ाना हो, तो अगर चाहते हैं देश के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, माँ बाप के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, देशभक्ति कर रहे हैं ना। कल ऑफिसर्स खुला रहेगा, इफ़ यू केम हेयर, सॉरी कम हेयर, यहाँ आओगे तो क्लासेस तो नहीं, बट मैं रहूँगा तो डाउट्स और पूछना होगा तो पूछ सकते, ठीक है, लेकिन हम अवेलेबल होंगे 12 बजे के बाद, ठीक है, धंधा वंडा भी पढ़ाना है।